रिश्तों में आ गई है दरार, जहां हम जुड़े थे अब अलग हो रहे हैं, या हमें अलग किया जा रहा है। कोई तो है जो मजे ले रहा है और हम दोनों बस लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, एक दूसरे पर आलोचना कर रहे हैं, आरोप पर आरोप प्रत्यारोप का यह कार्यक्रम चल रहा है और कोई मजे ले रहा है। आज जो उपाय लेकर आई हूँ या दूसरों से कोई मतलब नहीं मुझे। सास परेशान कर रही है, जेठ सता रहा है, पड़ोसी भड़का रहे हैं, या कोई दुष्ट मित्र अपनी दुष्टता फैला रहा हो हम दोनों के रिश्ते में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फैलाते रहो। मैं जोड़ लूंगी अपने प्रेम को अपने आंचल से बांध लूंगी। आज जो उपाय लेकर आई हूँ, एक चीज अपने बाएं पांव से उसका नाम लेकर रगड़ दो, कैसे वो आपसे जुड़ता चला जाएगा और इतना जुड़ जाएगा कि एक समय आप ही उससे कहेंगे इतना प्यार भी ठीक नहीं। अद्भुत है, चमत्कारिक है यह वशीकरण। रिश्ते होते तो है दो लोगों के बीच, लेकिन वह खुशी और प्रेम भी देते हैं दो अलग अलग खानदानों को। वो जहां रहते हैं आप लोगों का प्यार सुनकर प्रसन्न होते हैं हमारे परिवार वाले, आपके भी लड़की जो है, आपके भी माता पिता भाई बहन भाभी मायके में सुनती है कि हमारे घर की बच्ची अच्छे से ससुराल में रह रही है, उसे प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, आज शॉपिंग पे गई है, आज इतना कुछ खरीदा है, वो वहीं से प्रसन्न होती है। उसे कोई चाह नहीं रुपया धन दौलत की, बस एक ही चाह है उनकी बच्ची खुश रहे ससुराल में। और ससुराल में भी सभी परिवार प्रसन्न होते हैं जब आप लोग दोनों मुस्कुराते हैं, साथ में घूमते हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छी बातें करते हैं। लेकिन हर जगह ये नहीं होता, हर जगह ये भी होता है कि जहां आप लोग दोनों साथ मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे, अच्छी रिश्तों की खुशबू फैलने लगी, लोगों का दिमाग खराब होने लगा। अरे ये क्या, हमारे घर में तो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये लोग तो बड़े अच्छे से साथ रह रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और तब चलने लगते हैं वह चाल और अलग होने लगता है, खंडित होने लगता है आपका रिश्ता, कम होने लगता है विश्वास और कार्य करने लगती है शत्रुता दुष्टता आपके प्रेम भरे रिश्ते में। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होने लगती है, यहां तक कि सारी हदें तोड़कर आपका पति आप पर हाथ भी उठा बैठता है। बाद में मलाल होता है, माफी मांगता है आपसे, परंतु जब उसे क्रोध आता है तो वो इस रिश्ते के लिहाज को भूल जाता है। तब क्या करें, तब करें मेरी बहनों एक छोटा सा उपाय, यह वशीकरण है। इसमें नींबू का प्रयोग बता रही हूं, नींबू अच्छे अच्छे खट्टे रिश्ते को मिठास में बदलने वाला है। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। कुछ ना कहें आप तो पढ़ लेती हूँ आपकी चुप्पी, करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। मित्रों जब दुष्टता फैल जाती है ना, खटास फैल जाती है, तब उसे काटने के लिए भी खटास की जरूरत होती है। आज हम नींबू का प्रयोग कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में। नींबू एक ऐसा वशीकरण की चीज है, नींबू में 70% जल है, पृथ्वी में 70% जल है, अर्थात नींबू को वशीकरण की भाषा में ज्योतिष शास्त्र में एक संपूर्ण पृथ्वी, एक संपूर्ण सृष्टि माना जाता है। और जब हम संसार से होकर गुजरते हैं ना, तो सारे रिश्ते हमारे सांसारिक हो जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई वशीकरण या टोटका नींबू से होकर गुजरता है, तब वह साक्ष्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। खटास देखिए कैसे बदलती है मिठास में, केवल और केवल 7 घंटे में असर करता है ये अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। एक छोटा सा शर्त है, यह वशीकरण ज्यादा काम कब करता है, जब आपके पति और आप साथ ही एक घर में रहते हैं, केवल झगड़े होते हैं, दुष्टता है, वो प्यार नहीं करता, मानता नहीं है, सम्मान नहीं देता है। पत्नी भी अगर दुष्टता फैला रही है, आपको प्यार नहीं करती है, आपका विश्वास नहीं करती, तो पति भी यह वशीकरण करें। यदि लड़की मायके में रह रही है बहुत साल से और पति संपर्क नहीं बना पा रहा, तब यह वशीकरण कर सकते हैं आप, पर इसके लिए मैंने कई वशीकरण और बताए हैं। यह तब करें जब पति की दृष्टि पड़े उस चीज पर
जो आप उन्हें दिखाना चाह रहे हैं, पत्नी की नजर पड़े उस चीज पर जिसे आप दिखाना चाह रहे हैं। चलिए उपाय पर आती हूँ। किस दिन करें यह उपाय, केवल और केवल मंगल या शनिवार का चुनाव कर लें अपने अनुसार। अगर महिला कर रही है, पत्नी कर रही है ये, तो पीरियड्स के दिनों में भूल कर भी ना करें। किन चीजों का प्रयोग करें, सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों का प्रयोग करें। हरी मिर्च 2 पीस, बड़ी साइज की मोटी लंबी हरी मिर्च, स्वच्छ ताजी हरी मिर्च। एक अच्छे रसदार भरे बड़ा पीले रंग का नींबू, कच्चा हरा नींबू नहीं लेना है हमें, हरी हमने मिर्च ले ली है, पीली नींबू। एक बड़ी सुई, एकदम अच्छी मोटी चीजें सिलने के लिए जो बड़ी वाली सुई आती है ना, जिसके होल बड़े होते हैं, वह सुई लें। उसमें धागा डाल लें, काला धागा डाल लें, कोई भी धागा, मोटा हो पतला हो, काले रंग का धागा उसमें समा लें। यह वशीकरण केवल और केवल दिन में ही करना है, रात्रि में, संध्या में, सूर्यास्त के बाद भूल कर भी ना करें। पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकते हैं। चलिए मैं मंगलवार को लेती हूँ कि मंगल को किया, वैसे शनिवार को प्रायरिटी है, चलिए शनिवार लेती हूँ। शनिवार को आप स्वच्छ स्नान कर लें, पूजा पाठ घर में कर लें, कुछ खाएं नहीं तब तक जब तक आप यह वशीकरण ना कर लें। एक काले रंग की कलम लें, काले लिखने वाली कलम, उसका ऊपरी बॉडी पार्ट कोई भी रंग का हो, काला लिखने वाले, काले इंक वाली एक कलम ले लें। नींबू को ऐसे दबाकर पकड़ लें, ऊपर और नीचे से दबाकर पकड़ लें, और नींबू पर लिखें सम, स म, सम। इधर से लिखते लिखते सम, फिर आपने थोड़े स्पेस दिया, लिखा सम, फिर थोड़ी देर बाद सम, नींबू पर आपको 7 सम लिखना है। सम, सम जो है सृष्टि का अद्भुत शब्द है, यह जोड़ है, यह मिलाप है, सम से ही तो यह संसार बना है, विषम में भी सम होता है। आपने नींबू पर 7 बार सम लिखा, छोटे छोटे लिखिए ताकि गोलाई घूमते घूमते 7 बार सम लिख पाए आप, इतने बड़े बड़े सा ना लिख दे वरना एक ही लिखाएगा। अपने मस्तिष्क का हमेशा प्रयोग करें, अपने दिमाग का प्रयोग करें, स्थिर रहे। महिला है तो रोए नहीं, कितने भी दुख संकट तकलीफ हो क्रोध ना लाए वशीकरण करते वक्त, अपने मन को बहुत शांत रखें। सम लिख दिया आपने चारों ओर। 2 हरी मिर्च आपने ली है, एक हरी मिर्च पर आप लिखें अपना नाम, दूसरी हरी मिर्च पर लिखें आप अपने पति का नाम। मन को शांत रखें, सब चीज लेकर आप बैठ गए, सुई में धागा पिरो लिया आपने। आप मंगल देव को भी याद करें, शनि देव को भी याद करें, और हनुमान जी को बिल्कुल मस्तिष्क पर रखें, शनि देव को मस्तिष्क पर रखें। यहाँ हमें देवी देवताओं को नहीं रखना है, ग्रहों की बात है, ग्रह बिगड़े हैं, हम ग्रह को शांत करने के लिए, मंगल शांत करने के लिए जो झगड़े हो रहे हैं दिन रात, हम मंगल देव को थोड़ा मस्तिष्क में रखें, याद करें, हनुमान जी को, शनि देव को अपने मन में सिर्फ रखें, कोई पूजा नहीं करनी है। सुई उठाया आपने दाहिने हाथ से, प्रथम पति के नाम वाली मिर्ची के बिल्कुल पेट में आपने ऐसे सुई डाला, उसे धागे में कर दिया। फिर नींबू लिया आपने, जो सम लिखा था आपने, नींबू में भी वो सुई डाली, नींबू को भी धागे में कर दिया। फिर हरी मिर्च ली आपने अपने नाम वाली, और उसके भी पेट में ये डालकर धागे में लटका दिया, सुई काटकर हटा दीजिए, धागा आपके पास रह गया। पति सम पत्नी, आप सम आपका पति, इस धागे को अपने बेडरूम में कम से कम 7 घंटे और अधिक से अधिक 7 दिनों तक आपको टांगना है, लेकिन इसे जमीन पर रखिए और अपने बाएं पैर से नींबू पर रखिए, अपने बाएं पैर को सिर्फ सटाइए, कुछ नहीं करना, दबाना नहीं है, तोड़ना नहीं है नींबू को, सिर्फ अपने बाएं पैर से नींबू के ऊपर ऐसे सटाइए और इस धागे को उठाकर ले जाकर अपने बेडरूम के किसी भी भाग में टांग दीजिए। अब घर में झगड़े हो रहे हैं, आपका टांगा किसी को पसंद आए ना आए, इसीलिए मिनिमम 7 घंटे टांगना है, और एक बार अपने पति को इसे अवश्य दिखा देना है। वो गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा, इसे खींचकर फेंक देगा, वो अलग बात है, पर एक बार अवश्य दिखा दे। और यदि वो शांत है मस्तिष्क के, आप उसको बता सकती हैं, तो आप कह दीजिए कि हम अपने घर के परिवार के लिए, शांति के लिए आज मैंने पूजा की है, इसलिए मैंने इसे टांगा है, कल हटा दूंगी। रख सकते हैं तो हफ्ते भर टांगिए, या आपके आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे कन्विंस करते हैं अपने परिवार को। अगर कोई कुछ ना कहे तो 7 दिनों तक यह टंगा रहे आपके बेडरूम में, क्या असर करता है,
क्या अद्भुत असर करता है या जिस बेडरूम में आप सोती हैं उसी बेडरूम में ये टांगे और देखिए क्या पल भर में कैसे कायाकल्प होती है ना, पल भर में कायाकल्प होगी आपके रिश्ते की। अवश्य करें ये छोटा सा अद्भुत वशीकरण और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।